92 में भी हमारा कप्तान कुवारा था, वो मुठले इमरान के नाम से जाना जाता था। आज भी हमारा कप्तान कुवारा है, ये मुठले आजम के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं झांट अली खान, क्रिकेट एक्सपर्ट, टोपा टीवी पाकिस्तान से अपनी भूखी नंगी कौम, उम्मीद पे सांस लेने वाली आवाम को ये पैगाम देने आया हूँ कि हम अभी भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। देखिए, इसकी वजूहत है, कायनात है, इम्तिहान है, पेशाब है, सॉरी, इसकी बहुत सारे कारण हैं, रीजन है। 1992 में भी हम प्रैक्टिस मैचेस में जलील हुए थे, यहाँ भी हो रहे हैं 2023 में। उस टाइम पे भी जो हमारा कप्तान था वो कतई टाइप था, अभी भी वैसा ही है। देखिए, ये रूहानियत की बातें मैं आज आपको समझा के जाऊंगा। उस टाइम पे हमारा जलील होने का सिलसिला प्रैक्टिस मैचेस से शुरू हो गया था जनाब, अभी भी हम वैसे ही जलील हो रहे हैं। भारत को हमने 92 में 300 का आंकड़ा नहीं छूने दिया था, 2023 में भी नहीं छूने दिया, क्योंकि हम ही पहले निपट गए। बाखुदा 92 में भी हमारी भूखी नंगी कौम को हमसे उम्मीद नहीं थी, 2023 में भी उम्मीद नहीं है, तो इसका मतलब हम जीत सकते हैं। बाखुदा भुखमरी का ऐसा दौर चल रहा है, 92 में भी भुखमरी थी, खाने को रोटी नहीं, पहनने को पजामा नहीं था, 2023 में भी सेम हालात है मोहतरमा। 92 में भी हमारा कप्तान कुवारा था, वो मुठले इमरान के नाम से जाना जाता था। आज भी हमारा कप्तान कुवारा है, ये मुठले आजम के नाम से जाना जाता है। वो भी छोटी छोटी टीमों को अत्याचार करता था, ये भी नेपाल जैसी टीमों को कच्चा चबा जाता है, तो इसका मतलब जनाब बाखुदा हम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। रूहानियत की इंतहा देखिए जनाब, 92 की टीम में भी एक मौलवी था, 2023 की टीम में भी एक मौलवी है, इसका मतलब हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। 92 में भी भारत वाले जय श्री राम कहते थे, 2023 में भी जय श्री राम बच्चा बच्चा जय श्री राम कह रहा है जनाब, तो इसका मतलब हम वर्ल्ड कप 2023 का जीत रहे हैं। भाईजान आगे सुनिए, 1992 में हमारा अंग अंग कर्ज के नीचे डूबा हुआ था और 2023 में भी यही जुस्तजू जारी है जनाब, हमारा अंग अंग फड़का नहीं, कर्ज में अभी भी डूबा हुआ है जनाब। हम 2023 में वर्ल्ड कप क्यों जीत रहे हैं जनाब, सबसे बड़ा कारण सुनिए, ये कारण सुन के आप लोगों के अंदर से रूहानियत फूट जाएगी, फना हो जाएंगे आप। 92 में भी 7 दिनों का हफ्ता होता था, आज भी जनाब वैसा ही चल रहा है। 92 में भी दिन में धूप निकलती थी, 2023 में भी निकलती है जनाब। 92 में साल में 365 दिन होते थे, आज भी 365 दिन होते हैं जनाब। भाईजान 92 में भी फरवरी जनवरी के बाद आता था, और इंतहा देखिए जनाब, मार्च जो है वो 92 में भी फरवरी के बाद आता था, और अभी भी मार्च का महीना फरवरी के बाद ही आता है, तो इससे ज्यादा पाकिस्तान का मैं झांट अली खान, क्रिकेट एक्सपर्ट, टोपा टीवी से आपको इससे ज्यादा क्लू नहीं दे सकता, लेकिन ये सारा काम मैं अपनी भूखी नंगी कौम, उम्मीद पे सांस लेने वाली आवाम के ऊपर छोड़ता हूँ। तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, और हमारी महिला मित्र का टेलीग्राम चैनल अदिति का कौन ज्वाइन करेगा, कहाँ से करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके फटाफट ज्वाइन कर लो और खींच के रखो मीटर। अब मेरे बाहर जाने का हो गया है समय, तो मुझे दीजिए आगागत, मुझे दीजिए इजाजत। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, टोपा चैनल से तो ये सारी गलतियां होती रहती हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाईजान वर्ल्ड कप तो हम ही जीतेंगे।